नमस्कार, पूर्वा होटल वाल्मीकि नगर में आज 3 नवंबर को प्रातःकाल एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित नारायणी गंडकी महाआरती बिलवाघाट परिसर में की जाती है। आगामी 7 नवंबर 2022 को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नारायणी गंडकी महाआरती की जा रही है। ग्राम पंचायत राज लक्ष्मीपुर रामपुरवा की मुखिया श्रीमती मालती देवी के सौजन्य से व्यवस्थापक श्री सुमन सिंह जी हैं। उनके साथ साथ आज की बैठक में श्री चंदन जायसवाल जी, जो संस्थापक हैं होटल पूर्वा वाल्मीकि नगर, संगीत आनंद जी हैं हमारे साथ साथ, श्री बबलू जी हैं हमारे साथ, धर्मेंद्र भाई हैं, व्यवसायी श्री जयंत भाई हैं, लक्ष्मण राणा जी हैं और अधिवक्ता और इस कार्यक्रम को अमली जमा पहनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले श्री वीरू सिंह जी मौजूद है। मैं आप सबों को इस महाआरती कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं और मैं चाहूंगा 7 नवंबर को जो नारायणी गंडकी महाआरती की जा रही है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा, नमामि गंगे समेत कई ऐसे विषय शामिल हैं। हमारे बीच श्री वीरू सिंह जी बताएंगे कि 7 नवंबर को महाआरती में किन किन कार्यक्रमों का समावेश किया गया है, एक रूपरेखा। 7 नवंबर को गंडकी महाआरती का आयोजन किया गया है। इसमें आपको भारत नेपाल सीमा, मैत्री संबंध और साथ में स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाएगा और वृक्षारोपण, इस तरह के सभी चीजों का आपको मतलब कि समावेश किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वीरू सिंह जी। मैं निवेदन करूंगा आप सभी बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे और संगम तट पर बेलवा घाट वाल्मीकि नगर में 7 नवंबर की महाआरती में भाग लें। हर समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। आज सनातन धर्म को हम सभी आगे बढ़ाना चाहते हैं एक नए अंदाज में। सबसे पुरानी संस्कृति जिसका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है, तो सनातन धर्म से यदि आप प्रेम रखते हैं तो आप निश्चित रूप से 7 नवंबर को महाआरती कार्यक्रम में भाग लें। और मैं चंदन जायसवाल जी को फिर से एक बार, श्री सुमन सिंह जी को, और कार्यक्रम जिनके सौजन्य से किया जा रहा है, ग्राम पंचायत राज लक्ष्मीपुर रामपुरवा की मुखिया श्रीमती मुखी मालती देवी जी को, संगीत आनंद जी को, हमारे साथ साथ बबलू भाई, धर्मेंद्र भाई, जयंत जी को, लक्ष्मण जी को, राणा जी को और श्री वीरू सिंह जी को फिर से एक बार धन्यवाद। और आप सभी 7 नवंबर को महाआरती में पहुंचे और कार्तिक पूर्णिमा की सार्थकता को साबित करें। धन्यवाद।